नमस्कार। अपना जो लेबर सिस्टम में जो टॉपिक टेक्टिकल को लेके चल रहा था उसी को लगातार आगे बढ़ाते हुए टेक्टिकल के ही टॉपिकों पर हम बात कर रहे हैं। और एक ये आपके सिलेबस में 64 नंबर का जो पॉइंट है बी पार्ट में, उसको लेकर था कि मानचित्र का अर्थ, महत्व और वर्गीकरण और मानचित्र, ये आपका टॉपिक है। और साथ में थीमेटिक मानचित्र या विषयक, उसमें बिंदु विधि, उसमें सम्मान रेखा विधि और एक वर्णमात्री मानचित्र या बिंदु मानचित्र या सम्मान रेखा मानचित्र या सम्मान मानचित्र, इन मानचित्रों के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और इसमें हमने मानचित्र के बारे में पहले चर्चा की थी, मानचित्र के अर्थ के बारे में भी चर्चा कर ली, महत्व के बारे में भी। फिर भी कोई टॉपिक अगर रहता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, जैसे ही समय मिलता है वो टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा। थीमेटिक जो मानचित्र है, इसको हमने एनसीईआरटी से लेकर के बताया था, फिर भी शुरुआत यहां से है तो अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि उसके बारे में रिवीजन हो जाए और दोबारा वो मस्तिष्क में बैठे। तो यहां जो थीमेटिक विषयक मानचित्र है, वो थीमेटिक या विषयक, तो एक ही बात है, ध्यान रखना, विषयक शब्द आए या थीमेटिक आए, एक ही बात है। दूसरी बात है कि इसमें ये जो विषयक मानचित्र है उसमें आपको दे रखा है बिंदु मानचित्र, डॉट मैप, वर्णमात्री मानचित्र, कोरोप्लेथ मैप एंड समरेखा मानचित्र, आइसोप्लेथ मैप। देखिए, ये जो बिंदु मानचित्र है, चाहे वर्णमात्री मानचित्र है, समरेखा मानचित्र है, इनमें कोई ना कोई माप अवश्य होता है। इसलिए इससे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मात्रात्मक विधियों के द्वारा इस प्रकार के मानचित्रों का प्रदर्शन करते हैं, मात्रात्मक विधियों के द्वारा। इसलिए एक छोटी सी बात है, उसको यहां आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन लेकर के नहीं चलोगे तो सीधी सीधी बातें आपके ध्यान में रहेंगी और उसका आगे पीछे का जो एक जो विषय क्षेत्र बनता है, जो उसमें रिलेशन बनता है, हम उस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाते हैं। फिर भी यहाँ मैंने आप वो चीजें यहाँ प्रोवाइड करवाई है, लेकिन बहुत कम करवाई है, क्योंकि आपके यहाँ ये इन तीनों पर आधारित जो पॉइंट बनते हैं वो दिए हुए हैं, यही पढ़ाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको आधारभूत तो ढांचा है, कल को ये कहें कि ये मात्रात्मक है तो मात्रात्मक है, इसमें मात्रा का किसी विधि के द्वारा मानचित्र को प्रदर्शन किया जाएगा। मात्रात्मक है तो हम मानचित्र पर किसी विधि के द्वारा किसी वस्तु का, किसी मूल्य का हम वितरण दर्शाएंगे, इसलिए उसको मात्रात्मक कहा गया। अब मात्रात्मक है, एक होता है अमात्रात्मक, तो यही बात थी। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को एक आधार जो स्थिति इसके बारे में, उस पर आपको सुन लेना चाहिए, चर्चा कर लेनी चाहिए कि ये जो हम जो भी बात करेंगे वो करेंगे वितरण मानचित्रों के बारे में, वितरण मानचित्रों के बारे में। मानचित्र पर किसी वस्तु का हम वितरण दर्शाएंगे तो वो वितरण मानचित्र होंगे। अब वो वितरण मानचित्र बनाने की विधियां, तो वो होती हैं दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की, किसकी, वितरण मानचित्र बनाने की विधियां, क्योंकि इन मानचित्रों में भी हम किसी ना किसी वस्तु का हम या मूल्य का वितरण दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम वितरण मानचित्र बनाने की जो विधियां उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वितरण मानचित्र बनाने की विधियां होती हैं दो, कितनी होती हैं दो, ये ध्यान रखिएगा। एक होती है अमात्रात्मक
और एक होती है मात्रात्मक, एक होती है अमात्रात्मक विधि, दूसरी होती है मात्रात्मक विधि। अब यहां बात आती है, ध्यान से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। देखो वितरण मानचित्र, जिस मानचित्र में किसी वस्तु का वितरण दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है, सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, किसी मानचित्र को यूं देखते हैं, देखते ही उसमें वितरण के बारे में देखते हैं कि हाँ इतना वितरण है, यहाँ इतना घनत्व है, यहाँ इतना ये है, इतना जनसंख्या, ये सारी चीजें अपन उस मानचित्र से देखते हैं, तो उसमें वितरण तो है ही, बस वही बात है। तो वितरण मानचित्र बनाने की दो विधियां हैं, एक है अमात्रात्मक। तो अमात्रात्मक में मूल्य नहीं होगा, मूल्य के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा उस विधि में कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब ये चीजें अलग अलग प्रकार की, अब इनको दर्शाया अलग अलग प्रकार से जाएगा, किसी को रंग के द्वारा दर्शाया जाएगा, किसी को छाया के द्वारा दर्शाया जाएगा, समझ गए। तो उसमें आपको मूल्य उसका पता नहीं चलेगा, मूल्य का पता नहीं चलता है। आपको ये क्षेत्र के बारे में जरूर प्रतीत हो जाता है कि ये वनीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये अमात्रात्मक विधियों में आते हैं, कौन से में आते हैं, अमात्रात्मक में। तो अमात्रात्मक जैसे आपको एक सामान्य नाम बता देता हूं, रंगारेख विधि है, सामान्य छाया विधि है, चित्रीय विधि है, वर्ण प्रतीकी विधि है, ईटीसी और भी है। तो रंगारेख, रंग के द्वारा हम किसी क्षेत्र का प्रदर्शन कर देंगे, सामान्य छाया के द्वारा कर देंगे, चित्रीय विधि चित्र के द्वारा बता देंगे कि यहाँ ये चीजें हैं, यहाँ ये चीजें हैं, तो हम उसमें मानचित्र में दिखा सकते हैं। वर्ण प्रतीक की कोई वर्ण लिख देंगे, वो प्रतीक बना देंगे कि इसका मतलब ये। तो इस प्रकार से ये अमात्रात्मक विधियां हैं वितरण मानचित्र बनाने की। अब अपने जब पास में है, जो मुख्य रूप से जिसपे हम बात करना चाह रहे हैं, वो अपने पास में मात्रात्मक। इसमें जैसे दिया है कि बिंदु विधि, तो अपने यहां बिंदु विधि है, समान रेखा विधि, तो अपने यहां समरेखा मानचित्र है, तो समरेखा मानचित्र समान रेखा विधि के द्वारा बना हो गया। एक है वर्ण मातृ विधि, तो ये रही आपके वर्ण मातृ मानचित्र। तो आपको इस ये जो है मात्रात्मक और इन मात्रात्मक विधियों के द्वारा बिंदु मानचित्र, वर्ण मातृ मानचित्र, समरेखा मानचित्र, इनका निर्माण करेंगे। अब आपको यह देख लेना चाहिए कि मात्रात्मक विधियां और इसमें क्या चीजें होती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि देखिए किसी तत्व या वस्तु की मात्रा, किसी तत्व या वस्तु की मात्रा, मूल्य या घनत्व की क्षेत्रीय विभिन्नता, घनत्व की क्षेत्रीय विभिन्नता, किसी क्षेत्र को ले लेते हैं और उनमें जैसे कि भारत का मैप लिया अपन ने, भारत के मैप में विभिन्न राज्य दर्शाए गए और विभिन्न राज्यों में घनत्व को, अगर जनसंख्या के घनत्व को दर्शाया जाए, समझ गए होंगे इस चीज को, विभिन्नता प्रकट करने वाले वितरण मानचित्रों को इन मानचित्रों में उनके वितरण दिखाए जाएंगे, को मात्रात्मक विधियों के अनुसार बनाते हैं, को मात्रात्मक विधियों के अनुसार बनाते हैं, और उन्हीं विधियों के नाम से फिर बन जाता है बिंदु मानचित्र, वर्ण मातृ मानचित्र, समरेखा मानचित्र। तो ये एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन था, ये बताना आप लोगों को जरूरी था ताकि आप एक बेस से चले और आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता रहे। अब हम आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको लेकर के सीधी सीधी चर्चा करेंगे, जैसे बिंदु मानचित्र पर, वर्ण मातृ मानचित्र पर, समरेखा मानचित्र पर। इससे पहले जो मौसम चार्ट है, एक आपका टॉपिक वो भी है, और इसके अलावा एक दो टॉपिक और बचे हैं प्रैक्टिकल के, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को करवा दिए जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले जो बिंदु मानचित्र है उसको देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से वितरण मानचित्र में इस बिंदु विधि की उपयोगिता है और बिंदु मानचित्र किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है उसको देखते हैं।
इसी के साथ से ये सारी चीजें अपने पास में आई और अपना जो प्रारंभ हो रहा है कि भाई थीमेटिक विषय मानचित्र, जो थीमेटिक के बारे में आप लोगों हालांकि पहले बता दिया था, इसके बाद में हम बिंदु मानचित्र, वर्णमात्र मानचित्र, समरेखा मानचित्र पर बात करेंगे। लेकिन जो थीमेटिक मानचित्र था, जिसे विषयक मानचित्र कहा था, तो इस पे देख लीजिए कि इसमें क्या है। ये सब सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण, देखिए छोटी सी चीजें पर्सन आएगा इसमें से। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। इत्यादि यहां तक आप लोगों ने सुना इसको। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र या विषयक मानचित्र कहा जाता है। ध्यान रखना कि थीमेटिक मानचित्र या विषयक मानचित्र किसे कहा जाता है, जिसमें सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। समझ गए कि किसी मानचित्र में अगर सड़क, वर्षा है, वनों के बारे में, उद्योगों के बारे में उसमें दिखाया गया उस मानचित्र में या उस वितरण दर्शाने वाले मानचित्र में, देखो मानचित्र भाषा में उसमें दर्शाया जाएगा वितरण, वितरण किसका दर्शाया जाएगा, तो इनमें से कोई ना कोई एक का होगा, और कोई ना कोई एक का होगा तो हम कह देंगे सड़क मानचित्र, हम कह देंगे औद्योगिक मानचित्र, हम कह देंगे वन मानचित्र। तो ये बातें उसमें होती हैं और तभी हम कह देंगे भारत सड़क मानचित्र, अगर किसी सन विशेष का तो उसमें आगे के लिख देंगे हम। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं, तो ये लाइनें हैं तो छोटी लेकिन कहीं ना कहीं घुमा देती हैं, तो इसलिए इनको आसानी से आराम से पढ़ना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि जिसमें इनके बारे में वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब थीमेटिक शब्द यहां से हटा दे और कह दे यहां विषय, अगर किसी ने थीमेटिक ही सुना है और ये सारी चीजें रट ली और ये दूसरा शब्द नहीं सुना, तो थीमेटिक उसके लिए थीमेटिक रहेगा, और जिसने विषयक सुना है थीमेटिक नहीं सुना उसके लिए विषयक विषयक रहेगा। बस ये बात है कि विषयक और थीमेटिक एक ही बात है, एक चीज का ही प्रदर्शन करेंगे। अब विषय क्या होगा, वो मानचित्र होगा, मानचित्र में कौन सा मुख्य विषय है, बस वो नाम उसमें लिख दिया जाएगा कि ये इस वितरण को दर्शाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर, ये जो मानचित्र होंगे इसमें जो सूचना दी जाएगी के आधार पर उनका उचित नामकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए थीमेटिक है विषय। अब आपको समझना होगा विषय, देखो मानचित्र है उसमें किसी का वितरण दर्शा रहे हो, अब वितरण किसका दर्शा रहे हो, विषय हो गया आपका, समझ गए इस चीज को, और उसी के नाम पर उस वितरण मानचित्र का नामकरण कर दिया जाएगा। तो आप देख लेते हैं बिंदु मानचित्र को लेकर के बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं बिंदु मानचित्र डॉट मैप, वितरण मानचित्र है, वितरण दर्शाया जाता है जिस मानचित्र में, और किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर के बिंदुओं के द्वारा दर्शाया तो बिंदु विधि, समझ गए कि बिंदु विधि, तो बिंदु विधि के अनुसार वितरण मानचित्र बनाया जाता है। अब इसमें वितरण किसी मूल्य का, किसी क्षेत्र का, किसी घनत्व का, ये सब एक बिंदु निश्चित करके क्षेत्र के अनुसार और बिंदु उसमें दर्शा दिए जाते हैं, जिसको आप बिंदु मानचित्र कहते हो। तो किसी मानचित्र में आप बिंदु विधि के द्वारा किसी मान को दर्शाते हो, बिंदु मानचित्र कहलाता है, डॉट मैप कहलाता है। अब एक लिखित को अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित तरीका होता है और व्यवस्थित तरीकों को पढ़ना जरूरी है।
जिसे समझ आता है, फिर आप अपने अनुसार उसको समझ लेते हैं। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बुक्स लिखी जाती हैं बहुत इसमें मेहनत होती है और बहुत अच्छी तरीके से हर बात को सजोया जाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। कि वितरण मानचित्र बनाने की इस विधि में, किस विधि में, बिंदु विधि में, क्या बनाने में, वितरण मानचित्र बनाने की इस विधि में किसी वस्तु के वितरण, किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कि वस्तु के वितरण के घनत्व को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इस विधि में, किस विधि में, बिंदु विधि में, किसके लिए, वितरण मानचित्र बनाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जैसे ये एक प्रकार का आप समझिए वितरण मानचित्र है, ये बना हुआ है, इसमें आपको डॉट डॉट दिख रही है, देखिए कहीं बहुत ही छितरी हुई है, फैली हुई है, कहीं थोड़ी छितरी हुई है, थोड़ी सी नजदीक नजदीक है और यहाँ बहुत नजदीक है, और इनको आप देखने से इतना तो पता चलता है कि ये बिल्कुल बहुत ही दूर दूर है यहाँ, या कम घनत्व है यहाँ, इससे अधिक है और इन दोनों से अधिक, ये क्षेत्र में कोई भी जो मूल्य है वो अधिक है, समझ गए। तो बिंदुओं के माध्यम से किसी मानचित्र पर किसी मान का जो वितरण बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसको एक परिमाण निश्चित करके देख लेते हैं कि इस कार्य के लिए, किस कार्य के लिए बिंदु विधि के माध्यम से के द्वारा वितरण मानचित्र बनाने के लिए है। तो इस कार्य के लिए एक बिंदु का कोई मान, देखना यहां कि बिंदु का कोई मान, यानी कि एक बिंदु होगा उसका कोई एक मान निश्चित कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि एक क्षेत्र बना लेते इतना सा, और हम कह दें कि एक बिंदु बराबर 1000 व्यक्ति, कि इस छोटे से क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, हम उस पर ही बात कर ले कि एक बिंदु मैंने अगर यहां लगाया और मैंने यहां लिख दिया 1000 व्यक्ति, तो यहां कितने व्यक्ति निवास करते हैं, लेकिन यहां साथ में एरिया भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो बिंदु की बात कर रहे हैं, एरिया भी होगा। तो अपन यहां अगर दो बिंदु लगा दें तो कितने व्यक्ति यहां दिखाए जा सकते हैं, 2000 हो जाएंगे। अगर 3 लगा दें तो कितने हो जाएंगे, 3000। लेकिन ये जो बिंदु लगाएंगे तो इनका आकार भी निश्चित होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इस कार्य के लिए एक बिंदु का कोई मान, जैसे 5000 व्यक्ति, 1000 पशु अथवा 500 हेक्टेयर आदि निश्चित कर लेते हैं। मान लीजिए कोई चावल का क्षेत्र है, एक बिंदु बराबर 500 हेक्टेयर है, या ये मान लेते हैं कि एक बिंदु बराबर 5000 व्यक्ति का प्रदर्शन है, या ये मान लेते हैं कि 1000 पशु, यानी कि एक बिंदु बराबर इस क्षेत्र में 1000 पशु है, तो उस क्षेत्र में 2 लगा देंगे तो 2000 हो जाएंगे, अगर 3 लगा देंगे तो 3000 हो जाएंगे। तो ये बातें होती है, एक बिंदु के द्वारा उसका मान निश्चित करना होता है, और उस क्षेत्र को देख करके, क्योंकि अगर क्षेत्र को हम नहीं देखेंगे और बिंदुओं की संख्या अगर ज्यादा हो गई और उसमें आते ही नहीं है, वो बिंदु उतनी संख्या में वो बिंदु उसमें आए नहीं, तो इसलिए क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाता है, उसी के अनुसार या उसी क्षेत्र के अनुपात में उन बिंदुओं के मान भी निश्चित किए जाते हैं। तो ये बात थी, इसमें इस प्रकार से निश्चित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बिंदु का कोई मान, जैसे ये उदाहरण आप लोगों को दी हुई है। अब है, अब क्या करें इसके पश्चात, अब इसके पश्चात दिए हुए क्षेत्र के प्रत्येक विभाग, दिए हुए क्षेत्र के
प्रत्येक एक विभाग चाहे वो देश है, राज्य है, तहसील है, उपखंड है, जो भी है, वो जिसके अनुसार आंकड़े दिए गए हों, जिसके अनुसार आपको आंकड़े दिए गए हों, तहसील दे दिया, तहसील स्तर पे कोई काम दे दिए, ये राज्य दे दिया, राज्यों में जिले दे दिए, तो एक राज्य में आपको विभिन्न जिलों के कोई जनघनत्व को दर्शाना है, उसमें बिंदु निश्चित करने हैं, तो उसमें जो जिले होंगे उनका क्षेत्रफल आपको लोगों को देखना होगा, तो ये ग्रामीण नगरीय जो वितरण हो उसको आपको देखना होगा, तो एक ही उसमें मानचित्र में आप ग्रामीण और नगरीय दोनों कैसे दर्शाओगे, तो उसमें भी अलग अलग विधियां हैं, वो हम उसको शॉर्टली बात करेंगे, क्योंकि उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्न विधि कहाँ काम आती है, किससे संबंधित है, इस विधि से क्या किया जाता, तो ऐसा पूछ लिया जा सकता है, तब आगे चल करके हम उस पर बात करेंगे जरूर। तो ये जैसे कि प्रत्येक विभाग जैसे देश राज्य जिसके अनुसार आंकड़े दिए गए हों में संबंधित वस्तु की संपूर्ण संख्या, में संबंधित वस्तु की में मतलब किसी राज्य में, किसी देश में, किसी तहसील में, किसी खंड में, तो उसमें संबंधित वस्तु की संपूर्ण संख्या या मात्रा को प्रकट करने के लिए, संपूर्ण संख्या या मात्रा को प्रकट करने के लिए बिंदुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। किसकी संख्या ज्ञात करते हैं? बिंदुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, तथा अंत में इन बिंदुओं की बिंदुओं को उस क्षेत्र के रूपरेख मानचित्र में अंकित कर देते हैं। तो इन बिंदु अंत में क्या करते हैं कि इन बिंदुओं की जो संख्या ज्ञात कर लेते हैं या किसी विधि के माध्यम से इसको निश्चित कर लेते हैं, और उसके बाद में जो लास्ट काम बचता है वो बचता है कि इन बिंदुओं को उस क्षेत्र के रूपरेख मानचित्र में अंकित कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें आती हैं ये बिंदु विधि के लिए हैं, कैसे आप बिंदु विधि के माध्यम से वितरण मानचित्र तैयार करोगे, तो काफी हालांकि ये भूगोल के विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी भी है। नेक्स्ट है कि जब जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित करने वाले जो बिंदुकित मानचित्र में जनसंख्या का हम उसमें वितरण को बता रहे हैं मानचित्र में, तो ये जो बिंदुकित मानचित्र होता है इसमें कोई ऐसा बिंदु मूल्य चुनना कठिन हो जाता है कई बार, अगर एक क्षेत्र के लिए दर्शा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी एक पूरे क्षेत्र में एक तो ग्रामीण जनसंख्या है, एक नगरीय जनसंख्या, अब इन दोनों में अंतर कैसे करें, अरे ग्रामीण जनसंख्या में कम जनसंख्या पाई जाएगी लेकिन नगर में अधिक पाई जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा काफी जो कठिनाई है वो आती, तो इसको हम कैसे अलग अलग कर दें, वितरण तो दिखाना है, अब इसको अलग अलग कैसे कर दें, एक ही मानचित्र पे कैसे दिखा दें, तो वो समस्या का समाधान यहां बताया गया है कि बिंदु मूल्य चुनना कठिन होता है जिससे नगरी व ग्रामीण दोनों प्रकार की जनसंख्या का सही सही वितरण दिखाया जा सके। तो इस ग्राम नगरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की जनसंख्या का सही सही वितरण दिखाया जा सके ये एक समस्या थी, अब कैसे दिखाया जा सकती, इसके लिए इस समस्या का जो हल है वो दो विधियों के द्वारा, इसका समाधान दो विधियों के माध्यम से निकाला गया कि एक क्षेत्र में अगर नगर और ग्रामीण हैं तो उसको कैसे आप दिखा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अलग बता सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक ही मानचित्र पर आप दोनों को दिखा सकते हैं। इसके लिए इस समस्या का हल करने के लिए दो विधियां हैं, एक है नंबर पहली तो अपने पास में क्षेत्रीय या स्टील जेन बोअर विधि, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये नाम जो है आपको ये ध्यान रखने चाहिए, और ये पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रीय या स्टील जेन बोअर विधि किससे संबंधित है तो बिंदुकित मानचित्र से, अब इसमें ये पूछ लिया जाए कि नगरीय जनसंख्या को किसके द्वारा दिखाया जाता है और इस विधि में नगरीय जनसंख्या को किसके द्वारा दिखाया जाता है, मैं आगे बात करूंगा, इन प्रश्नों पे आप ध्यान रखिएगा।
कि क्षेत्रीय स्टील जैन बोर विधि इस ये क्यों आई, या अभी अपन समस्या की बात कर रहे थे कि एक ही मानचित्र पे आपको नगरी और ग्रामीण जनसंख्या दिखानी है। अब ग्रामीण जनसंख्या वो कम होती है तो बिंदु जो हम बनाएंगे वो मान, और नगर में ज्यादा होती है तो फिर वो मान अगर सेम रखेंगे तो दिक्कत आएगी। अब सेम रखते हुए वहां उसको कैसे दिखा दें, ये एक बड़ी बात है। इसी के लिए ये दो विधियां आई। इस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार वाले बिंदुओं के द्वारा, यानी कि ये जो क्षेत्रीय या स्टील जैन बोर विधि है इसमें भी, अगर इस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को आप समान आकार वाले बिंदुओं के द्वारा दिखा सकते हो तथा नगरीय जनसंख्या को वर्तों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बिंदु तो होते हैं लेकिन उसमें वर्त बना दिया जाता है, क्योंकि ये काफी बड़ी विधियां हैं, काफी अगर डीप जाएंगे तो काफी समय खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इतना आप लोगों के लिए स्तर भी नहीं है, स्तर के लिए आपके स्तर का काफी ठीक है। यहां से अब प्रश्न की जब हम बात कर रहे थे कि वही बात थी देखने की कि इस क्षेत्रीय या स्टील जैन बोर विधि जो है, इस विधि में आपको नगरीय जनसंख्या किसके द्वारा दिखाते हो, बस इतनी सी बात है। और ये प्रश्न मैं करके गया था, अब उत्तर आपको ढूंढना है। दूसरी विधि कि आयतनी या स्टेन डी गिर विधि, आयतनी विधि या स्टेन डी गिर विधि, ये नाम थोड़े से आपको ध्यान रखना चाहिए। यह विधि स्टील जैन बोर की विधि से मिलती जुलती है, यानी कि ये जो विधि है इस विधि से मिलती जुलती है। अब अंतर क्या रह गया, तो वही बात आएगी, मिलती जुलती है, केवल इतना अंतर है, कितना अंतर है, बात वही है कि इस विधि में आप जो ग्रामीण जनसंख्या दिखा रहे हो समान आकार वाले बिंदुओं के माध्यम से दिखा रहे हो, लेकिन नगरीय जनसंख्या दिखा रहे हो वर्तों के माध्यम से, ये ध्यान रखने की बात है। अब इसने ये कहा कि आयतनी या स्टेन डी गिर विधि जो है इसमें थोड़ा सा अंतर है, ग्रामीण जनसंख्या को वैसे दिखाओगे जैसे क्षेत्रीय में दिखाया, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नगरीय जनसंख्या को वर्तों के बजाय, नगरीय जनसंख्या को वर्तों के बजाय, वर्तों के माध्यम से कहां यहां, तो वर्तों के बजाय किसके द्वारा, बोलों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप प्रश्न यही है और इन्हीं प्रश्नों को आप ही को खोजना है, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप ही को खोजना है और प्रश्न यहीं से पुटअप हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट तो है इसके गुण को देख लेते हैं, जो बिंदु मानचित्र होते हैं मुख्य रूप से कौन से गुण पाए जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि जैसे कि भाई जनसंख्या, पालतू पशु जो है तथा फसलों आदि का वितरण दिखलाने के लिए यह जो विधि है बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनमें बिंदुओं के द्वारा वितरण दर्शाया जाता है। दूसरी बात है कि जो सामान्य किसी बिंदुकित मानचित्र में केवल एक वस्तु का वितरण दिखा सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक ही मानचित्र में संबंधित वस्तुओं जैसे गन्ना, चकुंदर, गेहूं, चावल आदि को भिन्न भिन्न प्रकार के जो बिंदु बना करके हम उनको भी उसी मानचित्र में दिखा सकते हैं। तीसरा जो गुण है कि इस विधि से क्षेत्रफल संबंधी आंकड़ों के अलावा, विशेषकर क्षेत्रफल संबंधी आंकड़ों को इसमें बिंदु के मानचित्र में बनाया जाता है, के अलावा भी जो मूल्य है, आयतन है, भार है, वह संख्या आदि के आंकड़ों का वितरण भी इस विधि में, इस विधि के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इन मानचित्रों को शीघ्रता से पढ़ा जा सकता है, शीघ्रता से आप काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन काउंटिंग करना भी एक अलग बात है। एक है कि वास्तविक वितरण का काफी सीमा तक सही सही चित्रण मिलता है, ये बातें बिल्कुल गुण है, बिल्कुल ठीक है। इस विधि से वहां वितरण मानचित्र बनाए जा सकते हैं, बनते हैं और सुगम्य भी होते हैं, आपको स्पष्ट भी नजर आ जाते हैं, आप आराम से उसको पढ़ भी लेते हो, समझ भी लेते हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक तो इसकी जो कॉपी है वो नहीं हो सकती, अगर इसको टेप करके आप दूसरे काम कर रहे हैं तो वो घिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार इसमें बिंदु इतने नजदीक नजदीक होते हैं और उससे अगर संख्या निकालनी होती है तो उनको गिनना थोड़ा सा
बहुत कठिन हो जाता है और गिनते समय कोई ना कोई त्रुटि रह जाती थी। इस प्रकार की इसमें थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी शीघ्र ही आपसे दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जो अपना जो समान रेखा विधि है, वर्णमात्री है, तो इन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।